तो चलिए जी, पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोग पहाड़ों में मेहंदी कैसे होती है। उसके बाद नेक्स्ट डे आता है अब शादी का। तो कई जगह क्या होता है कि मैं पौड़ी में था, श्रीनगर गढ़वाल में था, तो वहाँ क्या होता है कि मेहंदी पहले दिन हो जाती है। जिस दिन मेहंदी मतलब सॉरी ये हल्दी हाथ, जिस दिन मेहंदी होती है उसी दिन हो जाता है, क्योंकि उनका अलग कल्चर है। अब हमारा अलग है, हम क्या करते हैं कि मेहंदी जिस दिन मेहंदी होती है तो मेहंदी सेपरेट उसी दिन होती है, उसके बाद नेक्स्ट डे होती है हल्दी हाथ। तो ये अलग अलग दिन होती है, तो कई जगह अलग होती है, कई जगह एक साथ होती है। अब ये अलग अलग कल्चर है, तो मतलब होता तो सेम ही है, लेकिन बस डे का फर्क पड़ जाता है। तो अब देखिए कैसे हल्दी हाथ होती है। हल्दी हाथ होने के बाद उसके बाद लड़कियां हो जाती हैं तैयार, और हमें करनी पड़ती है खाने की प्रिपरेशन स्टार्ट। मतलब खाना लगभग बन ही जाता है, क्योंकि ज़्यादा खाना होता है तो बहुत जल्दी से स्टार्ट करना पड़ जाता है। तो उसके बाद बारात की तैयारियां होती हैं। बारात आने वाले अब आने को हो जाती है, क्योंकि टाइम 10-11 तो ऐसे ही बच जाता है नॉर्मली। तो देखिए बारात कैसे आती है, कैसे इसका स्वागत किया जाता है रिबन काटने से। लगभग ये तो ये जो रिवाज है, कल्चर है, ये सारे इंडिया ही में मेरे को लगता है ऐसा ही होगा। तो देखो फिर। We'll be right back.
श्रीमान आसन दी राजा सुस्वागतम चा सुस्वागतम चा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरी महबूबा कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना जो फिर कसमें खाई थी हमने वादा किया था जो जयमाला होने के बाद होती हैं खाने की तैयारियां और खाना जिन लोगों को घर लेके जाना होता है तो वो घर लेके जाते हैं और जिनको यहीं लाइन पर लग के खाना होता है तो वो यहीं खा लेते हैं। तो आपको पता है पहाड़ों में स्टैंडिंग खाना नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं खेतों में कहीं लंबी लाइन लगा के फिर खाना सबको सर्व करते हैं और फिर इसका आनंद पहाड़ी खाने का आनंद ये अलग ही आनंद होता है। तो देखो अब आपने देखा कि जयमाला भी हो गई, लोगों ने खाना भी खा लिया। अब इसके बाद मतलब ये क्या होता है कि जब तक यहाँ जयमाला होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि सारे लोगों को खाना खिलाते हैं क्योंकि इनके इन पर टाइम होता है, अब लोगों का फोटो शूट होता है, लोग बहुत ज़्यादा मतलब आते हैं कि हम फोटो साथ में लेनी है तो फोटो ले लेते हैं, इनको अलग ही छोड़ देते हैं, ये अलग ही काम करते हैं तब तक हम अपना काम निपटा देते हैं। उसके बाद इनको ले जाते हैं वेदी में। बेदी क्या होता है वो देखा होगा आपने, जहाँ से सात फेरी लेते हैं। अब Oh,
प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा प्रतिदुंड महाकाय कोटि सूर्य समा प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा शिवमंगलमंगली शिवे सर्वार्थ साधके परिणी त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते भगवती गां शक्ति नमः आवाहयी आवाहमिह देवी गां त्वां कुंडलिनी मात्रम् यस्यां स्मरण मातेन सर्व पाप विमुक्तिरिति देवी तं जगत् माता त्वमेव वासी वसुंधरा गायत्री तुम सावित्री गंगा तुम सरस्वती वेणां भक्षे नित्यं अमर्ते सर्वसे प्रभु भूतदेव प्रसाद पितृदेवत मानसा सर्वां तारिति देवी नरक पापा नरकात् पाप संकटा देवत्वं सर्वदेवानां जननी सर्वकामदा त्वं भवजन्मनि जन्मनि आद्यस्य परिघं समर्पयामि नमः भगवती गां शक्तये नमो नमः हरिः ॐ ॐ भगवती गां शक्तये नमो नमः ॐ आयुर्वृद्धिः तथा च पुष्टिमेधाप्रज्ञा सन्तति आरोग्यं धनलाभं च सन्तुष्टास्ति ददा पुण्यैः भगवती गां शक्तये नमः कन्या तथा गायनां संस्कारम् अहं भगवान् अमुकनां विज्ञपुरुषनां वराय तुभ्यं सम्प्रदत्तेत् अद्यप्रचारि शङ्कर सिद्ध्यर्थं स्वरिष्यमाणं पुत्रस्य कन्या जब सब काम निपट जाता है तो उसके बाद अब दूल्हा दुल्हन तो सुबह से भूखे रहते हैं। उनको पहले तो जब गोदान वगैरह फेरे वगैरह सारे हो जाते हैं तो उनको क्या करते हैं कि खाना खिलाते हैं, और जब तक वो खाना खा लेते हैं उसके बाद अब शादी है तो डांस भी हो ही जाता है। अब लोग कुछ नाच रहे होते हैं, कुछ खाना खा रहे होते हैं और लगभग सारा काम निपट जाता है। उसके बाद प्रिपरेशन होती है विदाई की। अब भेजने जाना है तो लड़की की विदाई होती है, तो देखो फिर क्या हो? क्या क्या नहीं बेटा तुम सभ्यों से लुके ए जाहि माजी खुदे गयो खुदे गयो कभी तछो माजी आज जनी होश संभाली बोली किले कभी तिन खानो निखाई मेरा बानामा आज फिर लागी गोले मा बड़ोली किले कभी तछो माजी आज जनी होश संभाली बोली किले कभी तिन खानो निखाई मेरा बानामा आज फिर लागी गोले ब्लॉग कैसा लगा तो जरूर बताएगा। और पहाड़ी शादी स्पेशली बहुत बढ़िया होती है। हमने सारी जगह तो ये वेडिंग हॉल वाला सिस्टम देखा होगा, स्टैंडिंग खाना देखा होगा, लेकिन ऐसा अगर आपको देखना है, ये मैं बस अपने कल्चर को दिखाने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। अब देखो उत्तराखंड वाले सारे प्लान कर गए हैं, उत्तराखंड में तो कोई है ही नहीं, बस जितने गिने चुने लोग हैं तो वो
अपने कल्चर को बचाने पे लगे हुए हैं, लेकिन बाहर से लोग तो सारे वही वेडिंग हॉल बुक कर रहे हैं वही वाला। लेकिन आपसे गुजारिश है कि जहां भी हो तो ऐसा थोड़ा सा अपना रिवाज बचाओ, अगर आप सब ऐसे छोड़ दोगे तो फिर गई भैंस पानी में। तो ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताएगा, तो फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में।